मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक पर रखे 425 कार्टून यानी 3792 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर हुआ गिरफ्तार। एक ट्रक और पिकअप वैन भी जब्त। दरअसल मधेपुरा जिला के मुरलीगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक पर विदेशी शराब की बड़ी खेप जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में आ रहा है। इसके बाद पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले की जानकारी सदर SDPO अजय नारायण यादव ने आज मुरलीगंज थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी। SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुरलीगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब तस्करी का खेल चल रहा है। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित किए गए विशेष टीम के द्वारा इस मामले की वैज्ञानिक अनुसंधान की जा रही थी और अनुसंधान के क्रम में बड़े शराब सिंडिकेट का पता लगाया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस सिंडिकेट के गिरोह को दबोचने के लिए जाल बिछाया गया। साथ ही शुक्रवार की देर रात को खबर मिली कि मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रजनी पंचायत स्थित डिंपल शाह के ईट भट्टा के समीप शराब की खेप लेकर एक ट्रक पहुंचा है, जहां से विभिन्न जगहों पर इस शराब की डिलीवरी की जाएगी। वहीं मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं कमांडो टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान मौके वारदात से कई शराब तस्कर भागने में सफल हो गया, लेकिन कमांडो दल के द्वारा दो शराब तस्करों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया और मौके से झारखंड नंबर एक ट्रक में छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान उदाकिशोरगंज थाना क्षेत्र के मुरली चंदवा गांव वार्ड नंबर 11 निवासी दिनेश मंडल के 20 वर्षीय पुत्र शिव कुमार और जयप्रकाश मेहता के 23 वर्षीय पुत्र सिंटू मेहता के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए शराब की बाजार में अनुमानित कीमत 1.2 करोड़ बताई जा रही है। इसके साथ ही SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि फरार सभी शराब तस्करों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। तो वहीं जल्द ही इस मामले में शामिल कुख्यात शराब तस्कर का नाम भी सामने आ जाएगा, जिन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तैयारी में जुट गई है। एक ट्रक और एक पिकअप जब्त किया गया है। आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से हम लोग इंटेलिजेंस कलेक्शन कर रहे थे कि यहाँ कुछ लोग हैं जो कि एक सिंडिकेट बना के शराब का कारोबार कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में हमारे बड़े पुलिस पदाधिकारी को सूचना भी मिली थी और उनके द्वारा एक टीम का भी गठन किया गया था। सूचना मिली थी कि जो रजनी गांव है वहाँ पर एक डिंपल शाह हैं, उनका ईंट भट्ठा है, वहाँ पर इन सिंडिकेट के सदस्यों के द्वारा बड़ी मात्रा में शराब लाए जाने की सूचना है। इसी संदर्भ में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा त्वरित गति से कार्रवाई की गई। जब वहाँ घेराबंदी की गई और सर्च अभियान चलाया गया तो एक बड़ा ट्रक और एक पिकअप वैन लगा हुआ पाया गया। बड़ा ट्रक तो पीछे से देखने में कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इन लोगों ने उसको कैमोफ्लाइज कर दिया था। पीछे में एक बड़ा सा जेनसेट रखा हुआ था। जब उसके अंदर सर्च किया गया तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में शराब का कार्टून बरामद हुआ और पिकअप से भी शराब का कार्टून बरामद हुआ। मतलब उस प्लेस को ये लोग एक तरह से अस्थायी भंडारण के रूप में यूज करते थे, जहाँ से फिर शराब को अन्यत्र जगह भेजा जाता था। गाड़ी में वहाँ कुल 2 लोग पकड़े भी गए हैं जो कि इस धंधे में शामिल हैं और शेष अभियुक्त वहां से भागने में सफल रहे। जब कार्टून की गिनती की गई तो कुल 425 कार्टून पाया गया, इसमें से कुल लगभग 3792 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और ये शराब जो है वो मेड इन अरुणाचल प्रदेश है और फोर सेल ओनली अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसका जो बैकवर्ड लिंकेज है और फॉरवर्ड लिंकेज है उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनसे भी हमारी पूछताछ हुई है। तो उन लोगों ने कई लोगों के नाम बताए हैं जो कि इस धंधे में शामिल हैं। लगभग 12 या 13 व्यक्ति के ऊपर भी कांड अंकित किया गया है और इस संदर्भ में भी हमारा अनुसंधान जारी है। जो शेष फरार अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस शराब का मूल्य देखें जो मुरलीगंज पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है, तो ये लगभग 1.2 करोड़ का शराब है। ये अच्छी उपलब्धि है और इसमें इस टीम में शामिल सदस्यों को पुरस्कृत करने के लिए भी हम अनुशंसा करें। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड सुभाष चौक इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।